आज आ गए हैं आपको एक से बढ़कर एक वैरायटी की जूती बताने के लिए। और यहाँ पर मेवाड़ की जूतियाँ हैं, जोधपुरी जूती हैं, बिनवाल की जूती हैं और एक से बढ़कर एक जूतियाँ हैं। और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे ये ओनर आपको बताएंगे किस प्राइस में मिलेगा आपको। ज़्यादा यदि आप क्वान्टिटी में लेते हो, होलसेल रेट लेते हो, तो और भी आपको सस्ता और कम प्राइस में मिल सकता है। इनसे लेकर आप व्यापार कर सकते हो, आगे बेच सकते हो, छोटी मोटी दुकान भी खोल सकते हो। ये मैन्युफैक्चर है जूती बनाने के। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये पैसा फ़ायदा करेंगे। सर अब आप बताइए कि सर ये जो जूती आप जो कह रहे हो, ये जो किले में यहाँ के राजा जो किले के लोग हैं वो यूज़ करते हैं, और बीनमाल की जूती कैसी है सर ये बताइए सर। ये बीनमाल की जूती है और इसके अंदर के कशीदाकारी लेडीजें करती है हमारे घरों में। ये पारंपरिक हमारा काम है। और ये जो जूते है ये अंग्रेज पहनते हैं, वो किले में फॉरनर, ये फॉरनर सुकेत के नाम से फेमस है और जोधपुर जूतियों के नाम से फेमस है। किले में चलती है और अंग्रेज लोग ही पहनते हैं, क्योंकि इनकी खासियत है ये मात्र 100 ग्राम की जूती है। तो मतलब बहुत ही हल्की जूती है, सिर्फ 100 ग्राम की जूती। आपको पहनोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि सर मैंने जूती पहनी है। और एकदम टिको है, मजबूत भी है, प्योर लेदर का माल है। ठीक है सर, ये देखो, बताओ कैमरामैन को, बताओ जूती भी बताते रहो साथ साथ में। ये ऐसी फोल्डिंग हो जाती है और इसके अंदर ऑयल लगता है, कोई भी जो फॉर्चून ऑयल होता है वो लगाते हैं। नरम रहती है जोड़ी और ये चलने में भी काफ़ी अच्छी है। ये अंग्रेज लोग खूब लेते हैं, फॉरनर लोग। और जो ये जूतियाँ हैं ये हमारे ये राजपूत जूतियाँ हैं जो शादी ब्याहों में चलती है। बीनमाल का किस्ता है, इसे बीनमाल की जूतियों के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थानी जूती है, इनकी तो फॉरेनर में भी काफ़ी मांग है। लेकिन ये कसीदा ये हाथ का है, टोटली कसीदा पूरा हाथ का ही है। ये लेडीज करती है, ये निकलता कम है, इसलिए इनकी मांग खूब है। लेकिन राजस्थान भर में इनकी सप्लाई हो पाती है। और ये लेदर का है, ये इसके ऊपर ये बकरे के काले वगैरह है, चमड़ा है और बफेलोज की लेदर है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इन्होंने कितनी सुंदर कलाकृति इस पे, देखो इस जूती पर, इस ये आप, मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि ये दर्शकों को बताइए कि सर ये कितनी सुंदर इन्होंने कलाकृति इस यहाँ पर की है। ये देखिए, ये भी शानदार जूती है, जो राजपूती जूती है। ये हर एक के ऊपर आपको अलग अलग कलाकृति आपको देखने को मिलेगी, कहीं पर बारीक है, कहीं पर थोड़ी मोटी है। तो ऐसे ऐसे ये देखो, ये फोल्डिंग जूती, इसको फोल्ड तक कर सकते हो बिल्कुल। इसका 100 ग्राम वजन है। तो यहाँ एक से बढ़कर एक जूतियाँ यहाँ इन भाई साहब के पास में अवेलेबल हैं। और अब हम आपको इसकी रेट बताते हैं। रेट ये सर कस्टमर की रेट हैं, ये होलसेल रेट नहीं है। जिन भाइयों को ये माल ज़्यादा चाहिए, दुकान डालना चाहते हैं, तो उसकी रेट आपको हम डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे इन भाई साहब के, और वहीं से इनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। और होलसेल के भाव अलग लगेंगे, होलसेल में आपको ज़्यादा क्वान्टिटी लेनी पड़ेगी। लेकिन अब जो रेट बताने जा रहे हैं वो एक ही जूती का रेट हैं। ठीक है सर, एक ही जूती का रेट है और वो भी अलग अलग रेट है। सर अब हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जूती आप किस प्राइस में देते हो। ये किले के अंदर हम होलसेलिंग के अंदर ये होलसेलिंग रेट है जो 250 रुपये की है ये जूती। और जो ये बीनमाल की जूतियाँ हैं ये 750 रुपये की है, क्योंकि इसमें हार्ड वर्किंग है, मेहनत है, ये हल्की है तो इसके अंदर लेदर कम लगता है, इसलिए इनकी होलसेलिंग मार्केटिंग यही है। और ये जो किले में जाती है ना होलसेलिंग में, जो फॉरनर लोग खरीदते हैं ये 700 रुपये में जाती है ऑलरेडी, क्योंकि वहाँ का किराया, मॉल का किराया सारा लगता है। ये हमारे घर का पुश्तैनी काम है और हम होलसेलिंग काम करते हैं। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको बता ही दिया है कि अलग अलग वैरायटी की जूतियाँ जो राजस्थान में बनती हैं, और कई भाइयों को जिनको इस तरह की जूतियाँ खरीदनी होती हैं वो धंधा भी कर सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं, फुटपाथ पे बेच सकते हैं, ठेला लगा कर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी चला सकते हैं। तो आपको अगली बार फिर मिलेंगे हम दोस्तों। नमस्कार, थैंक यू।